तो गाइज अब हम आ चुके हैं वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 के प्लेऑफ्स के बहुत ही ज़्यादा पास, और ऑलरेडी 5 टीमें अब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और कुछ टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी है और कुछ टीमों के पास अभी भी चांस है क्वालिफाई होने का। तो वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले हम बात करते हैं उन टीम्स के बारे में जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो मैं अपने लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि दबंग दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा स्टीलर्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन यहां पर और दो नई टीमें क्वालिफाई हो चुकी है जो है यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स। और अब ओनली एक स्पॉट बचा है प्लेऑफ्स के लिए, देखते हैं उसमें कौन सी टीम उसके लिए क्वालिफाई होती है। बात करें उन टीम्स के बारे में जो ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं, तो सबसे पहले जो टीम बाहर हुई थी तमिल तलाईबाज, उसके बाद अब तेलुगु भी बाहर हो चुकी है। बिकॉज अगर तेलुगु अपने 3 मैचेस भी जीत जाती है तो उनके पास होंगे टोटल 55 पॉइंट्स, और यूपी की टीम जो नंबर 6 पे है उनके पास है 58 पॉइंट्स। मतलब अब तेलुगु की टीम क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। वहीं पर बात करें पटना के बारे में, तो पटना पायरेट्स के पास है अभी टोटल 41 पॉइंट्स, और अगर वो अपने नेक्स्ट दोनों मैचेस जीत भी जाते हैं तो उनके पास होगा टोटल 51 पॉइंट्स। मतलब वो अब यूपी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अब बाहर हो चुके हैं। वहीं पर बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात के भी 2 मैचेस बचे हैं, दोनों जीत भी जाए तो ओनली 55 पॉइंट्स होंगे, मतलब वो भी यूपी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वहीं पर पुणे रिपल्टन का तो सिर्फ एक ही मैच बचा है, जो वो जीत भी जाते हैं तो उनके ओनली 52 पॉइंट्स होंगे, मतलब वो भी अब यूपी ओदा की टीम को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बस एक ही टीम है जो कर सकती है, जो है जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर के 2 मैचेस बचे हैं, दोनों जीत भी जाए तो 62 पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन यूपी का अभी पूरा का पूरा होम लेग बचा है, मतलब 4 मैचेस बचे हैं, और यूपी अगर एक भी मैच जीत जाए तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगे, और या फिर अगर जयपुर एक भी मैच हार जाए तो भी यूपी ओदा की टीम खुद से क्वालिफाई हो जाएगी। तो गाइस एक स्पॉट बचा है, उसके लिए अब लड़ाई है जयपुर और यूपी के बीच, देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई होती है। ये वीडियो थोड़ा छोटा है बिकॉज अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अभी दिल्ली आया हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज यहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।